नमस्कार जनप्रवास ओवर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चीन के साथ तनातनी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने किया अहम बैठक। एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस बिपिन रावत रहे मौजूद। पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं से मौजूदा हालात पर मांगा सुझाव। सीडीएस रावत ने मौजूदा हालात और उससे निपटने के दिए इनपुट। सीमा पर जारी तनातनी के बीच अपने सख्त रुख पर कायम है भारत। कहा चीन की सीमा पर जारी रहेगा सड़क निर्माण कार्य। सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे आज करेंगे शीर्ष कमांडरों के साथ बैठक। पूर्वी लद्दाख सीमा पर तैनात होंगे चीन के बराबर सैनिक। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर सेना ने तैयार किया ब्लूप्रिंट। तीनों सेनाध्यक्षों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी रिपोर्ट। राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री लिंडा से फोन पर की बात। दोनों देशों के बीच कोरोना संकट में सहयोग पर हुई चर्चा। भारत बॉर्डर पर 114 सशस्त्र चौकियां बनाने की तैयारी में नेपाल। चौकियों को लेकर दोनों देशों में और बढ़ सकता है तनाव। तनाव के बीच चीन ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के दिए निर्देश। का सेना के जवानों के प्रशिक्षण में लाई जाए और तेजी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आर्थिक संकट पर दिया बड़ा बयान। का आर्थिक गति देने के लिए बाजार में डालनी होगी नकदी। गडकरी बोले सभी राज्य बाजार में डालें 20 लाख करोड़ रुपए। सार्वजनिक और निजी साझेदारी से लाएं 10 लाख करोड़ की नकदी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी और लू का कहर जारी। तपिश ने तोड़ा 18 साल का रिकॉर्ड। 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। समूचे उत्तर भारत को अगले दो दिन तक राहत मिलने के आसार नहीं। चुरू में पारा 50 डिग्री के पार। दुनिया की सबसे गर्म जगह रहा चुरू। लॉकडाउन 4 में ढील पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। का आपने बाढ़ के लिए खोल दिए हैं द्वार। विशेषज्ञों ने ढील को कोरोना की बढ़ोतरी का ठहराया जिम्मेदार। का संक्रमण में जंगल की आग की तरह दिख सकती है तेजी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को भेजा नोटिस। का प्रवासी मजदूरों की हर तरह से मुफ्त में करें मदद। सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों के लिए उठाए गए कदमों की मांगी जानकारी। मामले में कोर्ट अब बृहस्पतिवार को करेगी अगली सुनवाई। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 56वीं पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी सोनिया समेत कई दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। टिड्डी दल के राजस्थान में हमले के बाद यूपी के 10 जिलों में अलर्ट जारी। सीमाओं से लगे जिलों में रसायनों का छिड़काव करने का आदेश। सीएम अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक आज। लॉकडाउन पर हो सकता है फैसला। सचिव मंत्रियों के विवाद पर भी नजर। इंदौर में लंबी सख्ती के बाद आज से खुलेंगे सभी सरकारी कार्यालय। प्रशासन ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी को भी दी अनुमति। भारत में संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 151,767। अभी तक 4,387 लोगों की हुई मौत। 64,000 से ज्यादा हुए ठीक। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,367 नए मामले आए सामने, जबकि संक्रमण से 170 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। का बाकी देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1792 लोगों की गई जान। गुजरात में 915 और मध्य प्रदेश में 305 ने तोड़ा दम। कोरोना से पश्चिम बंगाल में 283 और राजस्थान में हुई 170 मौतें। दिल्ली में 288, यूपी में 170 और आंध्रा में 57 लोगों की हुई मौत। महामारी से तमिलनाडु में 127 और तेलंगाना में 57 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में 44, पंजाब में 40 और जम्मू कश्मीर में 24 की गई जान। महाराष्ट्र पुलिस के 80 और जवानों में मिले कोरोना के लक्षण। अब तक 1889 पुलिसकर्मी संक्रमित, 2 की हुई मौत। दुनिया भर में संक्रमितों का आंकड़ा 56,84,000 के पार पहुंचा। महामारी से 3,52,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में कोरोना वायरस से 1,00,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, जबकि महामारी से संक्रमित हैं 17,25,000 से ज्यादा लोग। देश के अलग अलग 3 विमानों में 4 संक्रमित मरीजों ने की यात्रा। अधूरी तैयारी की खुली पोल। यात्रियों सहित क्रू मेंबर भेजे गए क्वारंटीन। स्वस्थ पाए जाने पर 7 दिन ही क्वारंटीन रहेंगे विदेश से लौटे भारतीय। शेष 7 दिनों का भुगतान मिलेगा वापस। गृह सचिव ने दिए निर्देश। दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रियों के लिए ओला सेवा आज से शुरू। अभी तक प्रीपेड टैक्सी का करना पड़ता था इंतजार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 6 विदेशी जमातियों को दी जमानत। लॉकडाउन तोड़ने के आरोपों में पुलिस ने भेजा था जेल। सीएम योगी ने कामगारों को राहत देने के लिए किया ऐलान। का सस्ती दुकानें और जीएसटी में छूट देगी यूपी सरकार। लॉकडाउन और कोरोना पर एसबीआई की रिपोर्ट में किया गया दावा। का 0 से 6.8% नीचे जा सकती है विकास दर। जियो मार्ट ने देश के 200 शहरों में आज से शुरू की ऑनलाइन बिक्री। दूध, फल, सब्जी सहित अन्य जरूरी सामानों की करेगा डिलीवरी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। का राहुल को कोरोना अपडेट के बारे में नहीं है जानकारी। जावड़ेकर ने कांग्रेस पर दोगलेपन की राजनीति का लगाया आरोप। कहा लॉकडाउन लगाने और हटाने दोनों का विरोध करती है कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू की गिरफ्तारी पर प्रियंका का बड़ा ऐलान। कहा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लल्लू के लिए करेगा संघर्ष। हांगकांग मामले में चीन पर बरसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा अमेरिकी सरकार एक हफ्ते में चीन पर करेगी बड़ा फैसला।
दिल्ली पुलिस ने 83 विदेशी जमातियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। मरकज में आने वाले 20 देशों के जमातियों से की गई पूछताछ। बीजेपी और कांग्रेस की देखरेख को मिलेगी ऑनलाइन सियासी टक्कर। कांग्रेस करेगी ऑनलाइन प्रदर्शन तो बीजेपी की होगी ई मीटिंग। बीजेपी 30 मई को करने जा रही है वर्चुअल मीटिंग और ई रैलियां। कांग्रेस 28 मई को श्रमिक पैकेज की मांग पर करेगी फेसबुक प्रदर्शन। मुंबई स्टेशन के बाहर घर जाने के लिए प्रवासी मजदूरों की लगी भीड़। ट्रेन पकड़ने के लिए परेशान दिखे श्रमिक, लगी लंबी लाइन। बंगाल में बिजली पानी किल्लत को लेकर लोगों ने किया जमकर हंगामा। गुस्साए लोगों को समझाने पहुंचे टीएमसी विधायक पर बोला हमला। गंभीर रूप से घायल विधायक खालिक मोल्ला अस्पताल में भर्ती। कोलकाता के मेयर ने हमले के पीछे बताया बीजेपी का हाथ। नोएडा में कंटेनमेंट जोन के लिए गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने बदली शर्त। कहा अब सीलिंग के लिए कंटेंट जोन का दायरा होगा 250 मीटर। बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर होगा मोहाली स्टेडियम का नाम। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले लीजेंड को मिले भारत रत्न। भारतीय ओलंपिक संघ के शीर्ष पदाधिकारियों के बीच मचा घमासान। अध्यक्ष और महासचिव के बीच वर्चस्व की लड़ाई जारी। आईओए के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने भंग किया नैतिकता आयोग। कार्रवाई को अवैध बताकर महासचिव राजीव ने किया बहाल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।